हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेटर, जिस लेटर का नाम है फॉलो अप लेटर। फॉलो अप लेटर क्या होता है? मान लो कोई एक डीलर है, उसने किसी को एक ऑफर दिया। मैंने कहा हुजैफा साहब आप क्या हमसे चेयर्स खरीदेंगे? ये खरीदने को अभी तैयार नहीं थे। हम अपनी तरफ से इनको ऑफर दे रहे हैं। इसको फर्म ऑफर भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? फर्म ऑफर। अच्छा, मैंने इनको ऑफर दिया, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, इग्नोर, फुल इग्नोर। क्या कर दिया हमको? इग्नोर कर दिया। हमने दो दिन तीन दिन वेट किया, हमने देखा यार कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हम इनको फिर से एक लेटर नए लुक में नए तरीके से फर्निश करके दे रहे हैं, कुछ नया ऑफर दे रहे हैं। मान लो उसमें हमने बोला था आपको ₹500 पर चेयर हम बेचेंगे। इस बार हमने कहा ₹500 पर चेयर है, बट आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे? स्पेशल डिस्काउंट देंगे। फिर भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम फिर उनको एक लेटर लिख सकते हैं कुछ और नया ऑफर बनाकर, कि हम आपको 10% तक डिस्काउंट देंगे, घर लाकर माल पहुंचा कर जाएंगे, क्वालिटी मेरी और बेहतर है सबसे। आपको हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं कि ये मेरा कस्टमर बन सकता है, मेरा कस्टमर बन सकता है। अगर मैं ट्राई करूं, अपनी तरफ से कुछ अप्रोच करूं, तो मैं इस कस्टमर को अपने साथ जोड़ सकता हूं। तो अपने कस्टमर को जाने नहीं देना है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू ट्राई करते जा रहे हैं, लेटर भेज के इंफॉर्मेशन, एक नया नया ऑफर डालते जा रहे हैं उसके लिए, या पूछते हैं उससे कि क्यों आपका रिप्लाई, अगर कोई बात ऐसी हो जो मेरी नहीं पसंद आई हो तो कृपया आप हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ गई है आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें शेयर करिए, जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लेटर में लिखने का, है ना। तो ये सब क्या है, हम उनको क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं ताकि ये मेरे कस्टमर क्या हो, परमानेंटली बन जाए। तो ठीक उसी का मीनिंग है, ए लेटर इज रिटन फॉर गेटिंग द रिप्लाई ऑफ फर्स्ट लेटर। मैंने एक ऑफर दिया उनको, उसका रिप्लाई पाने के लिए अगर हम दोबारा कोई लेटर लिख रहे हैं तो उस दोबारा लिखे गए लेटर को क्या बोलते हैं? फॉलो अप लेटर। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई। दूसरी बात, ये दो या तीन बार लिखे जा सकते हैं, दो तीन बार ट्राई करने के बाद वो आदमी व्यापारी खुद ही छोड़ देता है कि लग रहा है इनका मूड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो दो तीन बार, ये नॉर्मली दो तीन बार लिखे जाते हैं। अच्छा, दूसरी बार लिख के आ गया तो तीसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। जवाब आ जाए दूसरी बार में तो तीसरी बार का कोई मतलब है ही नहीं। सिंपल सी बात है। प्रिकॉशंस, मतलब ये लेटर लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, मस्ट नॉट सेम लैंग्वेज इन रिपीटेड लेटर। हमने एक लेटर भेजा, उसका रिपीटेशन जब लेटर भेजा तो उसमें भी वही बात होनी नहीं चाहिए, कुछ अलग तो होना, ताकि हम उसको क्या दे रहे हैं? हमने कहा स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने क्या कहा? स्पेशल डिस्काउंट, कुछ नया कर दिया उसमें, तो इसलिए कह रहा है रिपीटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, वही लैंग्वेज फिर से नहीं होनी चाहिए, न्यू प्रपोजल होना चाहिए। हम उसको नया ऑफर दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं? नया ऑफर दे रहे हैं। कस्टमर शुड नॉट क्रिटिसाइज, हम उसको कोई भी ऐसी बात ना बोले जिसकी वजह से वो अपमान महसूस करे, जिसकी वजह से क्या महसूस करे? अपमानित महसूस करे। ऐसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल लेटर में नहीं होना चाहिए। न्यू अप्रोच, नए तरीके से उसको ट्राई करना है, कुछ नया वर्ड यूज करना है, कुछ नया ऑफर देना है, न्यू अप्रोच लगाना है। दे मस्ट पॉजिस ए ग्रांड आउटलुक, और उस लेटर को देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए, अच्छा आउटलुक होना चाहिए, लेटर ऊपर से भी अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा सर्कुलर लेटर, सॉरी फॉलो अप लेटर। फॉलो अप लेटर में
फॉलोअप लेटर के बाद हमारे सारे बिजनेस लेटर खत्म हो जाते हैं। यह हमारा बिजनेस लेटर का लास्ट पॉइंट था। अगर आप लोग को फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन लगी होती है, उसमें भी आपको फॉर्मेट का वीडियो मिल जाएगा। हर वीडियो को या हर लेटर को उस फॉर्मेट में आप आसानी से रख सकते हैं। गुड लक। चलिए, एक बात आपको बतानी थी, वो बात जान लीजिए। कौन सी है? जैसे देखिए, अगर आप लेटर के फॉर्मेट के बारे में परेशान हैं, लेटर के फॉर्मेट के बारे में, तो आप ये एक वीडियो मिलेगी आपको। वीडियो में सिर्फ लेटर्स के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे, लेटर के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे। ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, तब इन सारे लेटर्स की वीडियो पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना। इसलिए ज़रूरी है कि बिना इसको जाने आप लेटर जान भी जाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे? कोई भी लेटर पूछ सकता है आपसे। और एक लेटर फॉर्मेट ऐसा बताया जाएगा जिसमें सारे लेटर आ जाते हो, उसी फॉर्मेट में सारे लेटर लिखना पड़े आपको, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह चेंज हो जाएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह बदल जाएंगे। ठीक है, तो लेटर बदलेगा नहीं, लेटर का नाम बदल जाएगा, उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, फॉर्मेट के लिए परेशान मत रहिएगा। लोग कहते हैं सर कन्फ्यूज हो गए, कल एक बच्ची फोन करी कि सर हम लेटर में कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, कैसे फॉर्मेट इसका, कैसे फॉर्मेट। फॉर्मेट तो वही है, फॉर्मेट बदल नहीं रहा, सिर्फ उसका सब्जेक्ट बदल जा रहा। ठीक है, तो फॉर्मेट नहीं बदल रहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप आगे की वीडियो देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करिए दूसरों तक, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके आपकी तरह। गुड लक।